उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष तक पहुंची मायावती की आज इसी प्रदेश में वो गति हो चुकी है कि उनकी पार्टी बसपा की गिनती यहां अन्य दलों के तौर पर हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो बसपा ने प्रदेश में अपना वो रुतबा, प्रभाव और जनाधार लगभग गंवा सा दिया है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या मायावती ने एक प्रबल दलित नेता के तौर पर दलित समाज के बीच अपना वर्चस्व गंवा दिया है, और क्या दलित समाज अपने नेता के तौर पर किसी दूसरे वैकल्पिक चेहरे की तलाश में है। मायावती ने कांशीराम की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखा था। उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में कांशीराम और मायावती ने कांग्रेस से उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक उससे झटक लिया था। उस दौर में ये कांग्रेस के लिए वो आघात साबित हुआ जिससे कांग्रेस फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में उबर नहीं पाई। काशीराम और मायावती के विचारों में उस वक्त दलित उत्थान का संकल्प छलकता था। यहाँ तक कि उस दौर में बसपा में एक नारा भी खूब गूंजा करता था जिसमें कहा जाता था, तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। इन नारों से उस वक्त में बसपा की कट्टरता और समाज में उसके संकुचित नजरिए का आभास हुआ करता था। उस वक्त तक मायावती प्रख्यात दलित नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुकी थीं। उस समय उन्हें आभास हुआ कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राज करने के लिए किसी बड़े दिल वाली राजनीति में उतरना पड़ेगा, जिसके लिए दूसरे समुदायों और वर्गों का विश्वास जीतना भी जरूरी था। लिहाजा उसने अपना स्लोगन अब बदल दिया। बसपा ने अब अपने चुनाव चिन्ह हाथी को लेकर एक नया नारा दिया जिसमें कहा गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। विचारों में इस विस्तार के साथ ही पार्टी में एक नए ब्राह्मण नेता के तौर पर सतीश चंद मिश्रा का प्रवेश हुआ। इस सोशल इंजीनियरिंग ने खूब कमाल किया। 2017 में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार खड़ी कर ली, लेकिन उनका ये शासन कई विवादों से घिरा रहा, जिसका परिणाम ये निकला कि पार्टी को सपा के हाथों शिकस्त खानी पड़ गई। मायावती कुल मिलाकर 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक आलोचकों का उन्हें लेकर ये मानना है कि वो प्रदेश की नफ्स को टटोल पाने और उसके मुताबिक हवा बना पाने में लगभग नाकाम ही रही हैं। 2007 में जहां पार्टी का वोट शेयर 22% के आसपास था, वही अब सिमट कर 13% से भी कम हो चुका है। कुछ लोग इसे बसपा के अस्त होते सूर्य के तौर पर भी देखने लगे हैं। यूपी में इस बार के विधानसभा चुनाव में वो लगभग बैकफुट पर ही रहीं, जिसका साफ असर बसपा के आस्थावान और समर्पित वोट बैंक पर भी पड़ा। कहा जा रहा है कि उनके इस तरह के बैकफुट पर रहने से उनके समर्थकों की आस्था भी बसपा में कमजोर हुई है। राजनीतिक पंडित तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब दलित समाज किसी नए विकल्प की ओर देख रहा है। हालांकि यहाँ अभी मायावती के लिए ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि वो प्रभावहीन होती जा रही हैं, क्योंकि मिजाज में आक्रामकता रखने वाली मायावती दलित समाज की तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले समय में वो एक बार फिर से अपनी ऊर्जा समेट कर दलित समाज का विश्वास अर्जित कर लें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।